तो बड़ी खबर आ रही है बाराबंकी से। सीआरपीएफ जवानों पर आतंकी हमले को लेकर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की शव यात्रा भी निकाली जा रही है और विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है। तो आप लोग बताइए, जो ये नारा लगा रहे हैं और पुतला फूंक रहे हैं, किस पुतले में फूंक रहे हैं? अरे ये तो सारे जग को विदित है, किस लिए यह आक्रोश देश में फैला हुआ है। आज हमारे 4 दिन पहले हमारे 44 जवानों को मार दिया गया है, उस उपलक्ष्य में पूरी जनता में आक्रोश फैला हुआ है कि वो बैठा कायर हमारे एक यूपी कितनी संख्या उसकी नहीं है, हमारे यूपी प्रदेश कितनी उसकी संख्या नहीं, फिर भी हमारे पीठ में छुरा भोंक रहा है। ऐसे में हम उसको चेतावनी देना चाहते हैं कि ये वो गद्दार समझ ले, कमीना कायर नपुंसक पाकिस्तानों का बैठा जो अपने देश में बैठा है वो समझ ले, जो आतंकवाद को पनाह दे रहा है। अब बर्दाश्त नहीं होगा, पाकिस्तान को नेस्तनाबूत बनाना होगा, ये भारत सरकार से हम लोगों की मांग है। जो ये छोटे छोटे बच्चों में आक्रोश है, इसमें आप लोग ये पुतला जलाए हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? कि हमारे यहाँ अभी 44 जवान जो शहीद हुए हैं, इसलिए हम लोग पाकिस्तान को बताना चाहते हैं कि जितने आपके यहाँ जनसंख्या उतने हमारे यहाँ कैदी हैं, अगर कैदियों को छोड़ दी जाए तो आपके यहाँ एक एक चुन चुन के मारा जाएगा। पाकिस्तान पाकिस्तान उन लोगों को हम बताना चाहते हैं कि आप लोग हिम्मत है तो सामने से आइए। तो मुर्दाबाद के नारे जैसे हैं, तो इनमें आपका क्या कहना है? हमारे देश के जो वीर जवान हैं उनको गलत तरीके से मार दिया जा रहा है, वो लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, पीछे से वार कर रहे हैं। हम उनका आक्रोश जता रहे हैं, सरकार से निवेदन कर रहे हैं वो आम जनता को आदेश दे, हम लोग उसके लिए मर रहे हैं, देश के वतन के लिए। क्या कहना है आपको इस विषय पे? हम चाहते हैं कि हमारा भारत देश एक महान देश है और पाकिस्तान जो कायरता से पीछे से वार कर रहा है, मैं चाहता हूं कि वो सामने आए, हमसे डट के वार करे। मैं अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूं कि वो हमारी भारतीय जनता को ही आदेश दे, हम ये काफी हैं और पाकिस्तान को मार मिटाएंगे। पाकिस्तान मुर्दाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद।